Omzi mamzi mam bing bing bo tan 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 se tar chi batte chaati se omzi mamzi mam bing bing bo. हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यार आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। एंड आल्सो अगर तो आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ वर्तमान में पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं टेक्नो ब्लेड के बारे में। अब जितने लोगों को भी भाई नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज टेक्नो ब्लेड का बर्थडे है। यस, तो यार जितने भी लोग भी यार टेक्नो ब्लेड के फैन हो या फिर नहीं भी हो, फिर भी यार कॉमेंट्स में जाके जरूर से आप लोग हैप्पी बर्थडे लेजेंड यार जरूर लिखना। एंड यार टेक्नो ब्लेड के बर्थडे के ऊपर में यार ड्रीम भी रिएक्ट करते हैं, एंड उन्होंने एक ट्वीट किया एंड वो कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू टेक्नो ब्लेड। तो यार हम सारे लोग यार साइड से बहुत ही बड़ा वाला यार हैप्पी बर्थडे अपने लेजेंड के लिए। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड बात कर लेते हैं गेमर फिट एंड थगेश के बारे में। तो क्या हमें बहुत ही जल्दी गेमर फिट एंड थगेश की कोई वीडियो साथ में देखने को मिल सकती है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसी रिलेटेड यार बात करते हुए गेमर फिट ने अपने इंस्टाग्राम पे की स्टोरी डाले। सबसे पहले आप लोग वो स्टोरी को देखिए। चलो थगेश भाई, आप क्या दिखा रहे थे, व्लॉगिंग कैसे करते दिखा रहे थे एक बार। और यार लोगों को आवाज ही नहीं आ रही होगी थगेश भाई की, क्योंकि फोन से बना रहा हूं। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया, कैमरा इधर है भाई। एंड यार मेरे हिसाब से यार हो सकता है कि गेमर फिट एंड थगेश के यार साथ में कोई मीम रिएक्शन वाली वीडियो आ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई अदर टाइप की वीडियोस आ रही हो। बाकी आप लोग को यार क्या कुछ लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं मिथ पैट के बारे में। अब लाइक यार जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मिथ पैट अपने चैनल के ऊपर में 2 हफ्तों से यार कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे। अब इसका रीजन ये था क्योंकि यार वो घूमने गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो अपनी वीडियो के रिलेटेड यार वो एक अपडेट देते हैं, एंड उन्होंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट किया एंड वो कहते हैं सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई एम बैक फ्रॉम वेकेशंस, आज से इतना वीडियोस डालूंगा किसी ने सोची ना होगी। तो यार मिथ पैट की यार अब न्यू वीडियोस का भी जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एज यू अटेंड के बारे में। तो अब जैसा कि यार आप लोगों को पता ही है कि इस साल आईपीएल में भाई शुभमन गिल ने भाई क्या ही तगड़ी वाली परफॉर्मेंस दिखाई। लाइक यार अपने टीम को फाइनल्स तक ले जाना एंड ऑल्सो सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारना कोई आसान बात नहीं होती, इसलिए यार गिल जो है वो इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स में से एक थे आईपीएल में। तो इसी रिलेटेड यार बात करते हुए एज यू अटेंड ने जो अपने चैनल के ऊपर में आज एक वीडियो को अपलोड किया है, उसी वीडियो में यार वो शुभमन गिल के ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड ऑल्सो उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है देखिए आप लोग। देखो देखो, अरे भेड़िया, अरे मतलब सीरियसली ये शुभमन गिल को बहुत सुनाई देने वाला है घर पे जाने के बाद। अरे भेड़िया, तेरे को दामाद क्या बनाने की कोशिश किया, तू क्या कर रही है, हमारी टीम को हराता है, सारा सांप पाल के रखा है सांप। यार पर मानना पड़ेगा कि शुभमन गिल इज लाइक, मुझे वो बंदा एआई लगता है यार। वो बंदा जिस प्रकार से शॉट मारता है, वो बंदा जिस प्रकार से अपने एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं करता है वो बंदा, इट्स लाइक मुझे लगता है कि ये एलियंस ने भेजा हुआ बंदा है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है क्रिकेट के इस फील्ड को पूरी, मतलब लिटरली बंदा सीर वो पलक नहीं चबाता ऐसे। एक तो उसके ऐसे गहरे गहरे आंखें हैं और वो क्या मतलब भाई खड़े खड़े टू, ये हम लोग बोल सकते हैं कि GTA आई थिंक सो आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी यार। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं ग्लोकस के बारे में। तो अभी यार मैंने आप लोग को कल वाली ही न्यूज वीडियो में बताया था यार कि ग्लोकस ध्रुव राठी वर्सेस एलविश यादव के कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर एक वीडियो डालने वाले थे, बट भाई वीडियो वो अपलोड करने से पहले ही यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। लाइक वो जब वीडियो प्राइवेट में ही पड़ी थी तभी यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया विदाउट एनी रीजन। बट यार फाइनली यार अभी ग्लोकस की वो वीडियो उनके चैनल के ऊपर में यार वापस आ चुकी है, तो तुम चाहो तो देख सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं डकी भाई के बारे में। तो कल यार डकी भाई ने अपने चैनल के ऊपर में ये अपना एक न्यू व्लॉग को अपलोड किया था एंड उस व्लॉग के अपलोड करने के बाद में थोड़े ही देर बाद में उनका ये व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला गया था पाकिस्तान में एंड ऑल्सो इस पे उनका क्या कुछ रिएक्शन था देखिए आप लोग। ट्रेंडिंग 1 पे आ गई, ट्रेंडिंग 1 पे आ गई भाई, लव यू हो गया तुम सबको। बड़ी देर बाद हमारा ट्रेंडिंग पे चक्कर लग रहा है, तुम लोग पिछले दिनों काफी ठंडे हुए थे यार। हैं भाई कोई मस्ता नहीं यार, अब तो हमने आग लगा देनी, अब हम जो है ना भाई नई चीजें लेके आएंगे, तुम लोग टेंशन नहीं लेनी भाई। ये ट्रेंडिंग 1 को जो है ना हम ट्रेंडिंग 0 पे लेके आएंगे, फिर -1 -2 टेंशन नहीं लेनी भाई, हम ट्रेंडिंग ऊपर जाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। एंड इसके बाद में डकी भाई ने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था जिसमें वो कहते हैं ट्रेंडिंग 1 लव यू तुम सब लोगों को दिल से, इंशाल्लाह न्यू टाइप ऑफ वीडियोस आर कमिंग सून, गारंटीड यू विल एंजॉय दोस, बस आप सबका साथ चाहिए इसी तरह। तो यार मेरे भी साइड से डकी भाई को इस चीज के लिए काफी बड़ा वाला कांग्रेट्स।
ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं बिक्सू के बारे में। तो क्या बिक्सू यार माइनक्राफ्ट में अपनी कोई एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए बिक्सू ने अपने लेटेस्ट वाली वीडियो में कुछ कहा है, एंड क्या कुछ कहा है उन्होंने देखिए आप लोग। तो दोस्ती यार एक ऐसी चीज है जहाँ पे तुम अपने दोस्त की बेइज्जती मार के खुश होते हो, एंड एक्चुअली में दोस्ती का मतलब यही हुआ, वरना और क्या ही होता है दोस्ती में, है बेइज्जती मारने के अलावा एंड तंग करने के अलावा। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कुछ न्यू वेज जिससे तुम अपने दोस्तों को तंग कर सकते हो माइनक्राफ्ट में, एंड या वो बहुत ज्यादा अनॉय हो जाएंगे, इतने अनॉय हो जाएंगे कि अपना गेम डिलीट कर देंगे वो। एंड जब मैं कॉन्टेंट बनाने बैठ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत फन आइडिया आया था जो कि एक बहुत ही फन सीरीज भी बन सकती है। तो मैं सोच रहा था मैं माइनक्राफ्ट में अपने दोस्तों को बुला के इन्हीं वेज के साथ अनॉय करूंगा, एंड या उन्हें परेशान होते हुए देखेंगे हम। तो अगर तुम चाहते हो मैं दोस्तों को तंग करने वाली इन माइनक्राफ्ट सीरीज बनाऊं, तो यार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस वीडियो को एक लाइक भी देना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो ऑलरेडी यार आप सारे लोगों को पता होगा कि टेक्नो गेमर्स ने अपने चैनल के ऊपर में यार 2 हफ्तों से कोई भी वीडियोस को अपलोड नहीं किया हुआ है। अब इसका रीजन यार ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि टेक्नो गेमर्स यार गए हुए थे वेकेशन अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए, वो भी पेरिस। तो यार अभी फाइनली यार टेक्नो गेमर्स अपने घर वापस आ चुके हैं, एंड इसी के रिलेटेड बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, वो कहते हैं बैक होम माय हेवन। तो यार अभी से यार टेक्नो गेमर्स के चैनल के ऊपर में हमें न्यू वीडियोस काफी जल्दी देखने को मिल सकती है, मे बी यार 1-2 दिन में उनकी न्यू वीडियो आ जाएगी। तो यार आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर टेक्नो गेमर्स के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं हीरो ब्रेन एसएमपी के बारे में। तो क्या किसी यूट्यूबर ने कॉपी करके हीरो ब्रेन एसएमपी की तरह एक न्यू हीरो ब्रेन एसएमपी को क्रिएट किया है, वो भी उसका क्लोन? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए माइंडफ्लक्स ने अपने चैनल पे ये एक वीडियो को अपलोड किया। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो को देखिए। कैसा होगा जब माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलर एसएमपी हीरो ब्राइन एसएमपी को हुबहू कॉपी करके बना दिया जाए? भाई सही सुन रहे हो आप, एक बंदे ने हुबहू कॉपी करके नकली हीरो ब्राइन एसएमपी बना दी, और ये वही बंदा है जिसने टेक्नो गेमर्स का कासल भी बिल्कुल हुबहू कॉपी करके बना दिया था, और ये चीज तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही दिखाया था। वेल, लोगों का मानना है कि ये वाली नकली हीरो ब्राइन एसएमपी बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। तो आज मैं खुद जाऊंगा इस एसएमपी के अंदर और देखते कि हमारे साथ भी हॉन्टेड चीजें होंगी या ये सब बातें भी बिल्कुल अंधविश्वास है। तो ये मैं आ चुका हूँ हीरो ब्राइन एसएमपी के अंदर, और देख के भाई बिल्कुल पता नहीं चल कॉपी करने की भी हद होती है, एग्जैक्ट एक एक चीज कॉपी करके बना रखी है यहाँ पर। एंड क्या आप लोग को भी यार ये वर्ल्ड एकदम हीरो ब्रेन एसएमपी की तरह लगा? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर माइंडफ्लक्स के बारे में यार बात करें तो नेक्स्ट न्यूज भी माइंडफ्लक्स के रिलेटेड है। तो फिर रिसेंटली यार माइंडफ्लक्स के चैनल के ऊपर में कंप्लीट हो चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो इसी के ऊपर में यार वो रिएक्ट करते हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में, एंड वो कहते हैं थैंक यू सो मच गाइस, कल 1 मिलियन स्पेशल शॉर्ट वीडियो आ रही है 11 बजे, गेस करो क्या होगी वीडियो। एंड या उनकी यार जो 1 मिलियन स्पेशल वीडियो आने वाली थी शॉर्ट की, वो ऑलरेडी उनके चैनल के ऊपर मैर आ चुकी है। तो यार तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं ये स्मार्ट पाई के बारे में। तो अभी यार रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया था कि अभी कुछ दिन पहले स्मार्ट पाई ने अपने चैनल के ऊपर में स्काई ब्लॉक चैलेंज की वीडियो डाली थी, एंड ऑल्सो उस वीडियो में यार सेनपाई स्पाइडर भी थे जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है, एंड ऑल्सो वो जीत भी गए थे स्काई ब्लॉक चैलेंज को। तो ऑल्सो यार मैंने अभी तुम्हें इस वाली वीडियो में बताया था कि काफी सारे लोग यार स्मार्ट पाई के उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि स्मार्ट पाई ने भाई उस वीडियो में सेनपाई स्पाइडर को पहचाना ही नहीं, लाइक काफी सारे लोग कह रहे थे। तो फिर रिसेंटली यार कल ही सेनपाई स्पाइडर जब अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वो भी यार इस चीज को क्लियर करते हैं कि क्या स्मार्ट पाई ने उनको पहचाना था वीडियो में या फिर नहीं, वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। स्मार्ट पाई आपको जानते थे इवेंट में? सच बताऊं वो नहीं जानते थे मुझे इवेंट में, एंड काफी डिप्रेसिंग बात है ये, बट नो वरीज अब जानते हैं बिकॉज मैं जीत गया। अगर मैं जीतता नहीं तो शायद जानते नहीं होते, बट उनको बहुत पसंद आया कैसे मैंने खेला एंड तक, इवन तो मेरा बैड लक बहुत था, एंड अब वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी है दोस्तों, एंड मैं होप कर रहा हूँ उनके साथ मैं और वीडियोस बना पाऊँ एंड वो उनके साथ फीचर हो पाऊँ, बिकॉज ब्रो इतने फ्रेंडली हैं वो। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने इससे पहले स्मार्टी भाई से बात नहीं करी है, लेकिन जब मैंने करी कुछ ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो लोग, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, बहुत मजा आया पूरे इवेंट में, बहुत मजा आया मुझे। ओके एंड ऑल्सो यार आप लोगों को पता ही होगा कि यस स्मार्ट पाई की जो अभी रिसेंट की स्काई ब्लॉक चैलेंज की वीडियो थी, उस वीडियो में यार वो विनर को 10,000 रुपीज भी देने वाले थे, एंड ऑल्सो उस वीडियो का यार विनर थे सेनपाई स्पाइडर। तो अभी यार जब रिसेंटली सेनपाई स्पाइडर अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहां पर उनको बहुत सारे लोग यार स्पैम करके पूछ रहे थे कि क्या आपको अभी तक स्मार्ट पाई ने पैसे दिए आपके विनिंग के या फिर नहीं। अब बाकी सेनपाई स्पाइडर का इस पे क्या कुछ रिएक्शन था देखिए आप लोग। बट थैंक यू, इट्स फ्रीज, वेलकम टू द स्पाइडर गैंग बडी, यू वन 20 इन स्मार्ट पाई वीडियो? ना मैन, मैं 10K जीता था जो कि मुझे मिल जानी चाहिए कभी भी।
बिग फैन या सैंपल स्पेडर के यार बातों से तो यही लग रहा है कि अभी तक उनको अपने विनिंग के पैसे नहीं मिले हैं, बट या काफी जल्दी मिल जाएंगे। ओके सो बढ़ते अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ जो कि है यूट्यूबर्स की नई वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले युग प्लेस की नई वीडियो आज की है, प्रोबस 95 की नई वीडियो आज की है, लाइव इंसान की नई वीडियो आज की है, गेमिंग विद शिवांग 2.0 की नई वीडियो आज की है, कैश की नई वीडियो आज की है एंड चपाती गेमर का भी नई वीडियो आज का है। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज थ्री डाएगी, जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तो रसोड़ में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर न्यूज सबमिट करना एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।